मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलू ने मंजिल की आंखों में आके डाल के बोला चल जुटी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं सीआरपीएफ, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2022। भाई बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का क्या हुआ, सर कब बोल रहे थे आप भर्ती आ रही है भर्ती आ रही है। देखो मेरे दोस्त जो बोल रहा था वो डिटेल सही थी, पर अभी जो आपके पास जानकारी लेकर आया हूँ वो भी एकदम सही है। डिटेल में हम बात करेंगे सीआरपीएफ में कौन सी ट्रेड की भर्ती आ सकती है, कितनी पोस्ट हो सकती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, कब से इसका फॉर्म अप्लाई हो सकता है, सारी डिटेल में बात करूंगा और एक एक चीज़ को आपका क्लियर करने का काम यहाँ पर करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, उससे पहले बात कर लेता हूँ आप यदि ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब परिवार के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आप आने वाली जो SSC GD 2023 या BSF ट्रेड्समैन अदरवाइज आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 का जो ऐप आ चुका है उसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज बिल्कुल आपको यहाँ पर इतनी कम कॉस्ट में मिल रहे हैं कि आप यहाँ पर 2 दिन का खर्चा भी इससे ज़्यादा होता है। भाई मेरे दोस्त ये बता दूँ मैं आपको, बात कर लेते हैं सीआरपीएफ वैकेंसी एंड पोस्ट डिटेल की, मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5000 प्लस पोस्ट हो सकती है जिसके अंदर ड्राइवर और आपका यहाँ पर ट्रेड्समैन का हो सकता है। ड्राइवर के लिए आपको बता दूँ मेरे दोस्त यहाँ पर आपकी ड्राइवर की क्वालिफिकेशन में बता रहा हूँ, ड्राइवर में आपको यहाँ पर 10+ आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो ट्रेड्समैन कॉन्स्टेबल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, आपकी फर्स्ट पोस्ट आती है कुक जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, बार्बर सबसे कम फॉर्म अप्लाई होते हैं, स्वीपर, वेटर, वाटर कैरियर, कोबलर, वॉशरमैन, टेलर, MTS माली, ड्राफ्ट्समैन, मसाज, ये सब आप जानते हो, यदि नहीं जानते तो एक एक को बता दूँ मैं। कुक का मतलब खाना बनाने वाला, बार्बर मतलब बाल काटने वाला, सब से ऊपर का मतलब सफाई करने वाला, वेटर का मतलब जो पानी वानी इधर पकड़ाने वाला, वाटर कैरियर का मतलब कुक का सहायक, कोबलर का मतलब अपना जो जूती को टाको देने वाला या जो कपड़े को टसेलने वाला, बात करते हैं वॉशरमैन धोबी, टेलर का मतलब आप जानते हो दर्जी, और MTS माली का मतलब पेड़ों में पानी देने वाला, ड्राफ्ट्समैन का मतलब आपको पता है मेरे दोस्त, और मसालजी का मतलब आपको मसालों का ज्ञान वगैरह आदि प्रकार की ये चीज़ आपकी पोस्ट आती है। बात कर लेते हैं इसके अंदर आपकी, देखो मेरे दोस्त सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर यदि 18 से 25 साल आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करता हूँ आपकी क्वालिफिकेशन के साथ आपकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की, तो OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है और SC ST को यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब यहाँ पर बात करूँ तो OBC वाला बंदा 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकता है और आपका SC ST वाला बंदा 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकता है, बल्कि आपकी जनरल और EWS को कोई यहाँ पर छूट वगैरह नहीं मिलती है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं देखो यहाँ पर वेटर के लिए आपको यहाँ पर 10th पास प्लस आपको यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस बनाना तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे एक्सपीरियंस बनाकर आपको मैं दे दूंगा। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 90 24 65 47 85, इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली फॉर व्हाट्सअप काम करेगा मेरे दोस्त, व्हाट्सअप पर आपको कॉल नहीं करना है, कॉल करोगे आपको यदि आप कॉल उठा भी लिया तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तो एक्सपीरियंस के लिए आप व्हाट्सअप भी करना है मेरे दोस्त। बात करते हैं कुक की, तो कुक के पास आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन की, तो आप ड्राफ्ट्समैन के यहाँ पर 10th पास आपको यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में आपका होना चाहिए, इसमें आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। बात करते हैं बूट मेकर जिसको हम कोबलर बोलते हैं, जिसमें आप 10वीं पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास कोबलर का होना चाहिए। बात कर रहे हैं टेलर की, तो आपके पास यहाँ पर बता दूँ मेरे दोस्त आपके पास 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके टेलर के भी होना चाहिए। बारबर की बात करते हैं तो बारबर में भी आपका 10वीं पास प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं वॉशरमैन की, तो वॉशरमैन भी आपका 10वीं पास और आपका यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको 2B का होना चाहिए। बात करते हैं MTS माली की, तो आप 10वीं पास होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए एक्सपीरियंस वगैरह। बात करते हैं सफाई वाला, तो सफाई वाला की भी आपको यहाँ पर 10वीं पास प्लस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का लोकल ज्ञान और साथ में बता दूँ लोकल लैंग्वेज का ज्ञान और साथ में बता दूँ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं मसालची की, तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और होटल में आप यहाँ पर मसालची का काम किया हुआ होना चाहिए 2 ईयर्स का। बात कर लेते हैं इसके बाद जो सबसे पहले होता है क्या, तो सबसे पहले इसके अंदर बता दूँ मेरे दोस्त PET PST होता है, जिसके अंदर PET में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रेस होती है जिसके अंदर 1600 मीटर आपकी 7.5 मिनट में पास करनी होती है जो सारे बच्चे करते हैं। भाई लॉन्ग जंप आपका 10 फीट होता है जिसमें 3 चांस दिया जाता है और हाई जंप आपका 3 फीट होता है जिसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दे लो, फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर की रेस होती है जिसमें 6 मिनट टाइम दिया जाता है और लॉन्ग जंप आपका 6 आपको यहाँ पर
6 फीट होता है जिसमें 3 चांस दिए जाते हैं, और आपको यहाँ पर हाई जंप होता है जिसके अंदर आपको 2.5 यानी कि 2 फुट 2.5 फीट यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो आपका हाई जंप है वो दिया जाता है, 3 चांस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड में, हाइट आपका यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल एसटी कैंडिडेट आप 162 सेंटीमीटर अप्लाई कर सकते हो। यदि आप नॉर्थ स्टेट से आते हो जैसे आसाम मेघालय मिजोरम इन स्टेट से आते हो पश्चिम बंगाल वगैरह से, तो आपको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट एलिजिबल है। आपका फीमेल कैंडिडेट हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर और ओ एल एस टी कैंडिडेट आपकी 165 सेंटीमीटर। पे स्केल की बात करूँ तो आपका 21,700 से लेकर आपको बहुत अच्छा, मैं यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ आपको स्पेशली, ये आपका केवल बेसिक पे रहता है मेरे दोस्त, केवल बेसिक पे रहता है। इसके अंदर बता दूँ मैं आपको यहाँ पर 80,000 रुपये तक बंदे सैलरी उठाते हैं जब रिटायरमेंट के टाइम होता है ना तब, यानी ट्रेड्समैन भी 80,000 रुपये सैलरी उठाता है ट्रेड्स। आप रिटायर साल 60 साल की उम्र में यदि आपको 80,000 रुपये दे रहा तो मतलब आप सोच सकते हो यार। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस की, तो आपका सेकंड स्टेट होता है पीटी पीएसटी क्वालिफाई कैंडिडेट को यहाँ पर 100 नंबर के टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन एक मार्क का होता है, 2 घंटे का आपको टाइम दे देता है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल जीके के 10 क्वेश्चन, आपके मैथ के 15 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं। बात करते हैं पार्ट बी के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस ट्रेड से रिलेटेड होते हैं जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा 50 क्वेश्चन। बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स को पास करने के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफ यानी कांस्टेबल ट्रेड्समैन आपको अनरिजर्व यानी यूआर ईडब्ल्यूएस और अक्सर सर्विसमैन को 45%, एससी एसटी और ओबीसी को यहाँ पर 40% लाना अनिवार्य है। बात करता हूँ यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लिया, फिजिकल रिटर्न स्किल टेस्ट, उसके बाद में आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में डीवी होगा जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद में होगा मेडिकल जिसको हम बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद होता है आरएमई यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद फाइनल मेरिट और आप यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान बन जाते हो। फीस की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी हो आप यहाँ पर 0 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए लगता है। अप्लाई की बात करूँ तो आपको सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना होगा, ये मैं बात बता दूँ मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना। अब इम्पोर्टेंट डेट की मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है भाई अगस्त सेकेंड वीक तो आपका चला गया, पर मैं यहाँ पर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ध्यान रखना, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम या आप सीआरपीएफ भर्ती मान लो, सीआरपीएफ भर्ती कब होगी, सीआरपीएफ की भर्ती होगी जब आपका यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो पैरामेडिकल स्टाफ का ऐसा सुनने में आ रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होगा तुरंत आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आ जाएगी। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दिल्ली से, क्योंकि डिटेल आपकी सारी की सारी कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट खाली है क्या लेना है सब कुछ आपको बता दिया गया, सारी की सारी दिल्ली डिटेल पड़ी है। और बता दो आपको यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की पोस्ट ना वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर आपको यहाँ पर सितंबर के लास्ट वीक में या फिर आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी है। जो बंदा ट्रेड्समैन और ड्राइवर की तैयारी कराना उनके लिए गोल्डन न्यूज़ है और गुड न्यूज़ आपके सामने निकल कर आ रही है कि सीआरपीएफ की भर्ती आ रही है, और सीआरपीएफ की भर्ती फिजिकल हर कोई बंदा पास करेगा, रिटर्न की तैयारी आपको मेन दम लगा के करनी है, और रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है मेरे दोस्त मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 का ऐप आ चुका है, इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल आपको इतने सस्ते में आपको कोर्स मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स, और जो भी आप ये घंटे का बटन दबाओगे तो उसका मतलब ये होगा मेरे दोस्त कि आपको जो भी अपडेट होगी आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।